पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र में कोरोना नहीं रुक रहा। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि वहां पर डिसीजन मेकर नहीं है। वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी जंग की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच राकंपा अध्यक्ष शरद पवार सीएम उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंचे, जिसके बाद सियासी गलियारों में खबरों का बाजार काफी गर्म है। शिवसेना के गठबंधन से हाथ पीछे खींचने की भी खबरें आ रही है। क्या है पूरा मामला और क्या कहा राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राहुल गांधी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों से कोरोना संकट को लेकर बातचीत की। वार्ता में जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि महाराष्ट्र में कोरोना क्यों नहीं रुक रहा, तो राहुल गांधी ने सीधे शब्दों में कहा कि वहां हमारी पार्टी केवल सरकार को समर्थन दे रही है, न कि सरकार चला रही है। वहां हम डिसीजन मेकर नहीं हैं। हम महाराष्ट्र में सरकार को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फैसला लेने की क्षमता में नहीं है। हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में फैसला लेने की क्षमता में है। अब उनके बयान को अलग ही रंग देने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के इस बयान में महाराष्ट्र में नई राजनीति शुरू हो गई और इसके बाद इस बात को भी हवा मिलने लगी है कि कांग्रेस गठबंधन से हाथ खींच रही है। इधर राकंपा चीफ शरद पवार ने देर रात सीएम उद्धव ठाकरे और बाद में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंचे। इसके बाद सियासी गलियारों में माहौल एकदम गर्म हो गया है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दरार होने की अफवाहों का बाजार भी गर्म है। इस पर शरद पवार ने कहा कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। गवर्नर से मुलाकात औपचारिक मुलाकात थी, जबकि सीएम उद्धव ठाकरे से कोरोना संकट और मौजूदा हालातों को लेकर मुलाकात हुई। इस दौरान शरद पवार ने अपनी राय से मुख्यमंत्री को अवगत कराने की बात कही। एनसीपी चीफ ने सरकार में मतभेद जैसे कयासों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में सियासी उठापटक हो रही है। सूत्रों की माने तो कुछ विधायकों का कहना है कि बीजेपी की ओर से उन्हें संपर्क किया गया है। ऐसे में उद्धव सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। एनसीपी कांग्रेस के कई विधायकों ने उद्धव सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब शरद पवार के बयान के बाद ये कयास ठंडे पड़ने लगे हैं। इसी बीच बीजेपी नेता ने कोरोना के चलते महाराष्ट्र में बिगड़ते हालातों को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, जिसके बाद राजनीति पहले से काफी तेज हो गई है। इधर शिवसेना नेता संजय राउत ने फिर से भीष्म पितामह की भूमिका अदा करते हुए विपक्ष पर करारा पलटवार किया। खैर, महाराष्ट्र में सरकार की डगमगी नैया को संभालने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने आनन फानन में सहयोगी दलों की बैठक बुलाई और विधायक एवं नेताओं को अफवाह पर ध्यान न देने को कहा। साथ ही राहुल गांधी से फोन पर वार्ता कर स्थितियों का ज्ञान लिया। इस पर राहुल गांधी ने गठबंधन तोड़ने जैसी बात को मात्र अफवाह बताया, साथ ही डैमेज कंट्रोल की बात भी कही। दूसरी ओर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। साथ ही प्रदेश में कोरोना से बिगड़ते हालातों और संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इस कड़ी में बीजेपी नेता राम कदम ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं उन्हें कुर्सी को लेकर चिंता है। उद्धव सरकार अपनी नाकामियों को छिपा रही है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने राज्यपाल कोश्यारी से प्रदेश की बिगड़ती हालातों को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इस पर शिवसेना प्रवक्ता और मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। राउत ने कहा, जिसे जो सोचना है सोचते रहे, लेकिन उद्धव सरकार पूरे 5 साल चलेगी। राउत ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करने वालों के पेट में सरकार को लेकर दर्द हो रहा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि उद्धव सरकार को खतरे में डालने वाले विपक्ष को क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। संजय राउत ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र से ज्यादा खराब स्थिति गुजरात की है, ऐसे में पहले वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।